साथियों यहाँ पे जो बेरोजगार आए हैं, आए दिन कोई ना कोई समस्याओं को लेके आते रहते हैं और हम प्रयास करते हैं कि बेरोजगार उन समस्या का समाधान हो। किसी भर्ती का जब नहीं आता, किसी की विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही, तो बहुत सारी समस्या होती है बेरोजगार युवाओं की। साथियों मैं बहुत आहत हूँ, बहुत परेशान हूँ। फायरमैन भर्ती में अभी एक जितेंद्र भाई का सिलेक्शन हुआ था और वो कई बार बोर्ड के चक्कर काट गया के चला गया और वो आज फायरमैन के परिणाम के लिए बोर्ड की लापरवाहियों के कारण से 10 बार तो चक्कर काट गया, लेकिन बोर्ड ने परिणाम जारी नहीं करा। जब आज वो यहाँ बोर्ड आ रहा था अपने परिणाम के लिए, अपने हक के लिए, कि क्यों मेरा परिणाम नहीं आता, क्यों मुझे बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि घर वाले भी परेशान होते हैं। फंक्शन होने के बाद अगर परिणाम जारी नहीं होता है तो वो बेरोजगार छात्र, आप सब में से एक पीड़ित छात्र था। साथियों मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो छात्र जयपुर आते वक्त उसकी कल बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। साथियों एक हम में से एक बेरोजगार साथी जो अपनी पीड़ा को लेकर आज दौड़ आ रहा था, उसकी बाइक फिसलने से उसकी मौत हो जाती है। साथियों ये तो सिस्टम है जो ये बना हुआ है कि 10-10 बार 20-20 बार बेरोजगार छात्र चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनके काम नहीं हो पाते, परिणाम जारी नहीं हो पाते। मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, उस बेरोजगार छात्र की मौत का जिम्मेदार कौन है? शर्म करो रे, शर्म करो, शर्म करो रे, शर्म करो, शर्म करो रे, शर्म करो। साथियों उसकी मौत का जिम्मेदार ये बोर्ड अगर समय पर परिणाम निकालता तो वो भाई, वो किसी का बेटा हमारे बीच में होता, लेकिन बोर्ड की लापरवाही के कारण से उस भाई का एक्सीडेंट हुआ, जबकि उसे आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सभी युवा साथियों से एक अपील करना चाहता हूँ, आप सब भी बेरोजगार हो, आप सबकी भी समस्याएं हैं। आज उस भाई के साथ में घटना हो गई, हम चाहते हैं ऐसी घटना किसी के साथ में नहीं हो, लेकिन साथियों एक बेरोजगार होने के नाते मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अभी मीडिया के प्रतिबंध हमारे आ रहे हैं, हम उस भाई के लिए 2 मिनट का सभी मौन रखेंगे, जिससे उस भाई की आत्मा को शांति मिल सके। आत्मा को शांति मिलने वाला काम बोर्ड ने तो किया नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से हम उस भाई के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ, सब पीछे होकर 2 मिनट बैठ जाओ, सभी हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, उस भाई के लिए बैठ जाओ, जो भाई आप नहीं है, सभी बैठ जाओ।